बहुत अच्छे, हमेशा ही अच्छे होते हो तो कभी बुरे हुए आज तक? नो सर। तो अच्छे हो रहे हैं ना? यस सर। और अभी तो बोर्ड की तैयारी चल रही है? यस सर। तो कितने बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर्ड है अच्छी तरह? बढ़िया। अच्छा अभी अच्छी तरह नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छी तरह हो जाएंगे ना पेपर? अच्छा ये बताओ जो 90% से ज्यादा लाना चाहते हैं हाथ उठाओ। बढ़िया। अरे कम से कम खुश करने के लिए हाथ उठाओ। लाना चाहते हो ना 90% से ज्यादा लाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, तो बड़ी मेहनत होती है, मन नहीं करता है ना, सोने की इच्छा होती है। अब एक चीज जान लो कि जिस पेपर के लिए जीवन भर तुम दिखाओगे कि मेरे इतने नंबर थे, इतने इतने है ना, और जिसके नंबर अच्छे होंगे वो कई दिनों तक ऐसे ही चलता है, उसकी मम्मी पापा तो और ऐसे चलते है ना। तो समझ लीजिए कि जिस चीज के लिए जीवन भर खुश रहना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पास करोगे मेहनत दिन रात धुआं उठा देंगे, ऐसी दुआ उठाएंगे पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा। वो हाथ उठाओ तो बढ़िया मेहनत करेंगे आज से। मैं देख लो अभी तुम्हें वो ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारे मार्क्स हर पेपर में 20 बढ़ जाएंगे। 20 कह रहा हूं, 2-3 नंबर नहीं कह रहा, 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब कैसे? मैं पूरा एक तो पेपर का आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन निकाल लो, अब लिखना भी है हाँ, कि हम अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। अगर बोर्ड क्लास के अंदर आपने पेपर को अटेम्प्ट करना सीख लिया तो मान कर चलिए कि आपके मार्क्स वैसे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये बताइए आप में से कितने बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं आंसर टाइम की वजह से? मेरा। और कितने गर्व से मेरा, अरे सबका ही छूट रहा है, देख सबका ही छूट रहा है ना भाई, पेपर छूट जाते हैं ना। अब मेरा मेरे वाला ट्रिक अपनाओगे तो पेपर नहीं छूटेगा, बढ़िया हो जाएगा ना। अब कैसे करना है ये ध्यान रखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मेरे मार्क्स कहाँ है, ठीक है, और कहाँ से मिलेंगे। पहले बता दूं आपके यहाँ पे कई मैंने वीडियोस पिछले साल बनाए थे, मेंसुरेशन स्पेशल, ट्रिगो स्पेशल, इस बार भी वीडियोस में से आज भी पेपर आ रहे हैं और अभी भी आएगा प्री बोर्ड में भी, देख लेना बेशक। सबसे पहली चीज है कि किस चैप्टर के कितने नंबर हैं, ये पता हो। कितने नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं ये पता हो। जैसे मैं ना इंग्लिश की जब मैं बात करूं तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक तो आपको बता रहा हूं ओवरऑल हर सब्जेक्ट के लिए आपके कितने मार्क्स हैं, 16 नंबर है ऑब्जेक्टिव के, है ना, 16 नंबर है, 4 केस स्टडीज हैं, 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 करने होंगे, है ना। तो ये हो गए 16 और 16, 32 नंबर, लेकिन इंग्लिश में है आपके 40 नंबर, क्लियर। तो सबसे पहले मेरी 3 स्ट्रेटजी होगी, पहली स्ट्रेटजी होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है ना, हम पता क्या करते हैं, हम कर रहे थे पहले क्वेश्चन में इतना टाइम तल्लीन होकर लग जाते हैं, अनसीन पैसेज ऐसे करते जैसे पता नहीं, पढ़ते पढ़ते 2 घंटे निकाल लेते हैं, तब बताओ पेपर मैडम छीने की नहीं। इसके लिए बचने का तरीका है हमारा पेपर पूरा हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको देखो पेपर मिला 15 मिनट मिलेंगे आपको शुरुआत में, आधा घंटा पहले एग्जाम में पहुंचिए, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट वो लेकर जाना है, ज्योमेट्री वगैरह वो लेकर जाइए, आधा घंटा मिला आराम से जैसे है बॉर्डर खींच दीजिए, इधर भी थोड़ा थोड़ा, ये नहीं इतना खींच दिया कि अंदर इतना ही समझा, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना, इधर बॉर्डर होता भी है तो रहने दीजिएगा। लेकिन इसके बाद क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला 15 मिनट में हर सब्जेक्ट का बताऊंगा किसमें कहां पे टाइम लगाना है। जैसे इंग्लिश की बात करूं तो फट से देख लो लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, लेटर कौन सा है, और इंग्लिश में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है, 1 में ये रोमन लिपि में होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में 1-2 ऐसे 3 करके 4, बाय द वे ABCD हो जाए तो चांस अलग है, नहीं तो करके ये 12 होगी, क्लियर है। yes, 1-2-3-4-5 से लेकर 12 तक, इसमें से हमें 10 आंसर देने हैं, क्लियर। तो मैंने क्या करा ना, आंसर भी नहीं दे रहा हूं मैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक एक लाइन छोड़कर, ठीक है, अभी बताऊंगा इसके फायदे क्या। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये भी है 1-2 अनसीन पैसेज है, अनसीन जिसे देखा नहीं, कंप्रीहेंशन
है ना, कम्प्रीहेंड। कम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है ना। और समझ तो हम कितना रहे आपको पता ही है, अंत में हमारे अंदर वो माता घुसती है, पूरा पढ़ पढ़ के हम पागल हो जाते हैं। यू जो मन में आया आंसर देने लग गए और इतनी देर पढ़ते रहे, और जब क्वेश्चन पढ़ा तो समझ में नहीं आया। और कई तो ऐसे होते हैं, जैसे कि वो फिल्म देखिए ना, मेरा करण अर्जुन आएगा, तो दूसरे के ऊपर ऐसे देख लो, उसके पांचवे का तो वो कहती है बी, बी। सातवें का उसको लगता है अच्छा सी, तो लिखती है सी। तो फिर पढ़ क्या रही थी इतनी देर, वो सोचो ना, है ना गलती हमारी। और फिर उसके बाद भी कुछ तो महान होते, क्या करते हैं, पूरा आंसर लिख देते हैं, एक दो तीन चार, और एक पे सही। फिर दूसरे ने कहा ये नहीं होगा, तो कहीं ये सही। और कुछ ऐसे होते हैं, अभी मुझे हाल में पता चला है कि स्कूल में कि उनका आंसर था दो, तो उन्होंने क्या करा, नंबर डाला दो और उतारा तीन वाला। अब मैडम कोई तो सच मानेगी, ये गलती बोर्ड में मत करिएगा, क्लियर है। तो हमें करना क्या है कि मैंने कहा ना, फिर वो कुछ और समझदार बच्चे होते हैं। और कुछ बताओ कैसे करते हो, आंसर आंसर लिख देते हैं हम, केवल लिख देते हैं ना। जैसे मान लो इसका दो का बी है, तो हमने बी वाला उतार दिया, हाँ। फिर उसने कहा सखी ने बी नहीं सी है, फिर ऐसे मिटोते ऐसे यू पता नहीं चलना चाहिए। अब ये समझो मेहंदी का कॉम्पिटिशन नहीं है, समझ रहे ना, मेहंदी का कॉम्पिटिशन नहीं है कि हम इसको ऐसे गुजगुज करके मिटा रहे। इससे बढ़िया तरीका क्या है, हर पेपर में आपके पास, जैसे मैंने इंग्लिश का बोला कि क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर 12 तक होंगे, क्वेश्चन नंबर दो 12 तक होंगे, क्वेश्चन नंबर तीन होगा एक्सट्रैक्ट सीन पैसेज। जैसे मैं आज की तारीख में आपको पेपर भी बता सकता हूं कौन सा आएगा, लेकिन मैं नहीं बता रहा अभी, मुझे पता था तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि तुम पढ़ना छोड़ दोगे। सीन पैसेज, अच्छा नहीं ना, ठीक है, सीन पैसेज को ही तुम ऐसे पढ़ो ताकि तुम्हें अनसीन पैसेज करना आ जाए। हम अनसीन पैसेज की तैयारी करने लग रहे, अरे तुम्हारे लिए सीन पैसेज जो है किताब का, वो भी तो अनसीन है ना, उसके वर्ड मीनिंग लर्न करिए, उसके ग्रामर को देखिए, उसके टेंस को देखिए, ट्रांसलेशन को देखिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या मैंने जैसे कहा माई कंट्री माई पीपल माई सोसाइटी, ये वो, जब वर्ड मिल जाए तो समझ लो नेल्सन मंडेला है। केवल ये होना चाहिए ना कि कौन से चैप्टर का है, फिर उसमें क्वेश्चन क्या आता, हु इज द स्पीकर, पूरे चैप्टर में एक ही स्पीकर है, नेल्सन मंडेला, है ना। तो इस तरह से हमें पता चल जाता, मान लो 100 ड्रेसेस का है तो वांडा पेगी, कोई ऐसा एक्सट्रैक्ट नहीं है जिसमें तीनों नाम ना हो। मान लो प्रपोजल का है, उसका एक क्वेश्चन बार बार आता है, ओ व्हाट अ बर्डन ऑफ अ फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर, ये वो करके, तो हु सेज दिस, तो चुपको, किसके बारे में कह रहा है, तो नटालिया, है ना। तो ही स्टैंड्स फॉर, ऐसे आता ही स्टैंड्स फॉर, ही किसके लिए आया है। तो बस नाम देखकर समझना है कि चैप्टर कौन सा है, है ना। जो भी जैसे कि फ्लाइट वाला चैप्टर है ना, द ब्लैक एरोप्लेन, जहां देखो ब्रिटिश एयरवेज, फ्रांस, क्लाउड्स, यही है, पता चल गया कौन सा चैप्टर है, क्लियर है। तो ऐसे हमें समझना है वो भी। और मैं बता रहा हूं नंबर कैसे लेना है, मैंने यहां पे भी बोला कि आपके पास क्वेश्चन नंबर तीन में पांच होंगे, एक दो तीन, है ना, चार पांच, है ना। अब देखिए जरा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीन है, क्वेश्चन नंबर चार है स्टेंजा, चार में भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है। अब मैं बता रहा हूं ना, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैंने जैसे टीचर ने कहा स्टार्ट राइटिंग, तो मैंने ना फटाफट नंबर डाला ऐसे, एक से बारह, एक से बारह, एक से पांच, एक से पांच। अब देखो यहां दस नंबर बीस, है ना, पांच पच्चीस और पांच तीस, हो गया ना तीस। अब इसके बाद हमारा आता है ग्रामर, क्वेश्चन नंबर फाइव ग्रामर, यहां पे एक दो तीन, क्वेश्चन नंबर सिक्स एक दो तीन, है ना। अब देखो इसमें तीन होते हैं, ये नरेशन होता है। मैं बता दूं आपको एक चीज, मैं नरेशन की कोशिश कर रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक बताने की और नरेशन समझाने की भी, फिर भी आज की तारीख में मैं एक चीज बताऊं, अगर आपको तीन ट्रिक बता रहा हूं, पेपर में मिलेगा, ऑप्शन भी बता रहा हूं, आएगा पेपर में, इज एमआर वाला दिखे तो वाज वर वाला ऑप्शन होगा,
क्या होगा? वाज वर्वा, ठीक है। ऑप्शन भी दिए होंगे, एक तो शैल विल वाला होगा, एक हैज है होगा, ठीक है ना, एक इज एम आर ही होगा। तो आंख बंद करके वाज वर्वा वाला आंसर लग जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं, जब समझाऊंगा तो वो समझाऊंगा अभी कि नरेशन करना कैसे, लेकिन आज की तारीख में बता रहा हूं कि अगर आपका पेपर हो तो आपके नंबर आ जाए। हैज है वाला होगा तो हैड होगा, क्लियर। मतलब उसमें ऑप्शन, उसमें भी चार ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, डायलॉग्स होते हैं, दो डायलॉग लिखे होते हैं, उसमें से एक आंसर देना होता है। और तीसरा एक क्वेश्चन वाला होगा, क्वेश्चन वाला होगा तो उसमें ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा। जैसे ऊपर इज ही है तो आंसर में ही वाज होगा, यानी कि सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में। आंख बंद करके बता रहा हूं, आज की तारीख में बोर्ड का पेपर उठाएगा, उठाओगे तो देख लेना क्या वही आया कि नहीं आया। यानी कि तीन नंबर ये भी पक्के कर रहा हूं आपके कि नरेशन में, जैसे कि मान लो तीन आपके हो गए, चार भी होते हैं, तीन नंबर का भी होता है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब देखो, मैंने अभी तक पेपर नहीं किया, मैंने सिर्फ नंबर डाला ये एक से बारह, एक से बारह, एक एक लाइन छोड़कर इंग्लिश में, क्लियर है। इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा पेपर कहां तक यूज हो गया है। तीन पेज हो गए मेरे, दो पेज हो गए, ठीक है। इतने में कितना टाइम लग जाएगा? पांच मिनट। अब मैं पांच मिनट को बढ़ा के कर रहा हूं पंद्रह मिनट। पंद्रह मिनट आपने जो पढ़ा था ना शुरुआत में, वो शुरुआत में पढ़ने में टाइम लगाना है आपको। जैसे मान लो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया, क्लियर, सीन पैसेज, इसके आंसर कुछ ऐसे होते हैं जैसे नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट स्टैंजा के हैं, तो आपको पता चल रहा है। तो आपने पांच मिनट की जगह ना यहां पंद्रह मिनट का टाइम लगाया, और वो आंसर, यानी कि फर्स्ट राउंड, मैं पेपर को तीन राउंड में करूंगा। पहले राउंड में मैं सिर्फ और सिर्फ ये लिखता जाऊंगा, और कुछ के आंसर, जैसे क्वेश्चन नंबर देख रहा हूं ना मैं, क्वेश्चन नंबर वही होना चाहिए आंसर नंबर जो क्वेश्चन का है। अब मान लो मुझे अब लगता है कि हु इज द पोएट ऑफ द दीज लाइन्स, है ना, या हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, है ना, या हु सेज दिस, या ही स्टैंड्स फॉर, कुछ आंसर ऐसे जिसके लिए मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं है, तो वो मुझे वैसे पता चल रहा है। तो ऐसे ऐसे का मैं आंसर लिखता जाऊंगा, आंसर नहीं लिखूंगा, केवल ये लिखूंगा। जैसे बी है तो बी, मान लो इसका डी है तो डी, सी है तो सी, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर कुछ नहीं आए तो सी लिख देंगे, ठीक है ना, वो उनकी इच्छा है, वो बाद की बात है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन आपका काम क्या करना है कि जो आंसर आपको लग रहा है कि यही होगा वो उतारना नहीं है, लेकिन उसको डी है तो डी को उतारना नहीं है, टाइम नहीं लगाना। तो ऐसे में आप यहां तक आएंगे ना। अब जैसे ग्रामर का मैंने बताया, ग्रामर में जैसे आपको लगता है कि ऑप्शंस दिए हुए ना चार, ठीक है, तो अगर जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है यही होगा, कंफर्म है आपको, तो वो आंसर लगा दीजिए और उसके बाद सीधा आ जाइए सेक्शन बी पे। ये था आपका सेक्शन ए, क्लियर, सेक्शन बी पे आ जाइए। सेक्शन बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर आठ से अब चालू होंगे हम। तो अब देखियो, क्वेश्चन नंबर एट नाइन, है ना, टेन इलेवन, है ना, अब देखो है क्या क्या आपके पास, क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले अब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर एक होता है आपका राइटिंग सेक्शन का, राइटिंग सेक्शन का क्या होता है, राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर एट, जैसे कि आपका है एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर, एक में क्वेश्चन नंबर एट लेटर है और नाइन आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है, जो भी है। तो देखो, लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ ये आपके पांच पांच नंबर के हैं, ठीक है जी। अब लेटर राइटिंग में आप ध्यान रखो, जैसे कि एडिटर को लेटर लिखना है या कंप्लेंट। आपको एक चीज और बता दूं, चार वीडियोज है मेरे जो 20 लाइंस केवल याद करेंगे तो आपके वो क्या होंगे, कवर 20 मार्क्स कवर होंगे यहां। तो मैंने इसलिए यहां समय कम लगाया है ताकि इधर आप पूरे नंबर ले सको। तो लेटर राइटिंग में जैसे एडिटर का है और कंप्लेंट लेटर है, ठीक है, तो दोनों का कंबाइंड वीडियो ही है। जैसे एज अ कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ इंडिया आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टुवर्ड्स करके, क्लियर है। तो ऐसे करके आप देख लीजिएगा, और मैडम ने भी आपको खूब सारे कराए। तो एक बिल्कुल लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए, फिर उसकी बॉडी है, फिर एक्सप्रेशन है, फाइव मार्क्स ये होते हैं, क्लियर है। एक्सप्रेशन में जैसे ग्रामर है, कोहेरेंस है कि आपने लयबद्ध तरीके से लिखा नहीं लिखा। मैंने तो चार पांच ऐसी लाइनें बताई है
जैसे कि मान लो इट इज प्रॉब्लम ऑफ ऑल, वी हैव कंप्लेन मेनी टाइम्स, नो एनी एक्शन हैज बीन टेकन। मान लो कोई समस्या, कोई समझ पाएगा क्या कि मैं पार्किंग की बात कर रहा हूं, कि मैं डेंगू केसेस की बात कर रहा हूं, कि मैं कोरोना की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं समस्या बढ़ गई है, तो बढ़ गई है, तो क्या पता कौन सी समस्या बढ़ गई है। लाइन तो मेरी है ना, वर्ड्स पूरे हो रहे हैं ना, तो हमें हालांकि इंग्लिश बनाना सीखे, दो दो चार चार लाइन डेली बनाइए, ठीक है। कुछ लाइनें ऐसे भी होनी चाहिए तो मुझे याद है, जो जरूरत पड़ने पे मैं लिख लूं, क्लियर। तो इस तरह से आपका क्या होगा, लेटर राइटिंग का काम हो जाएगा। और एनालिटिकल पैराग्राफ का एक वीडियो है, उस वीडियो में मैंने कुछ ट्रिक्स बताए हैं। वो ट्रिक क्या है, आंख बंद करके, जैसे पहली लाइन है आपका, इस बार का पेपर था उसमें फॉलोइंग वर्ड यूज किया गया था, तो पहली लाइन में फॉलोइंग वर्ड हटा दिया, या बिलो फॉलोइंग है ना, या अबव, अबव चार्ट, उसमें क्या होता है, आपको पाई चार्ट दिया हुआ है या बार डायग्राम दिया हुआ है, आपको उसी के बारे में लिखना है, क्लियर है। तो उसमें क्या करेंगे आप, कि उसी के अंदर से आपको पांच लाइनें छांटनी है, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन, ये तीन हिस्से में आपके पांच नंबर है, क्लियर। तो आपको लेना कैसे है, फट से आप लाइन पढ़ा, उसमें दो लाइनें होती है, एक में होता है राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, तो उस लाइन को मत लिखिए। दूसरी लाइन होती है जिस लाइन में लिखा होता है कि द फॉलोइंग चार्ट शोज अबाउट द कोरोना केसेस इन दिल्ली एंड वो, तो आप क्या करिए, उस लाइन में से फॉलोइंग वर्ड हटा दीजिए, वही लाइन लिख दीजिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। कंक्लूजन में भी यही लाइन लिख सकते हैं, ब्यूटीफुली लगाकर, इट शोज वेरी ब्यूटीफुली, फिर वही लाइन लिख दिया, क्लियर। और बीच में कुछ लाइन है, जैसे इट शोज दैट, इट डिपिक्ट्स अबाउट, इट इंडिकेट्स दैट, है ना, कोई डाटा है, क्रोनोलॉजिकल है, जैसे कि 1999 इट वाज दिस, इन 2004 इट जंप्स, है ना, इन 2019 इट स्लोस या डिप्स, ऐसे करके चार। मैंने उस पैराग्राफ में जो बहुत ही इजी करके भी बताया है, कुछ ऐसा भी बताया है जो एवरेज बच्चों के लिए, और ऐसे भी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं उनके लिए, बहुत सारे वोकैबुलरी उसमें दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। यानी कि पांच और पांच नंबर, अभी मैं आपके 70 पर प्लस नंबर देखो कैसे सिक्योर कर रहा हूं, कैसे आएगा देखिए। पांच नंबर ये हो गए एनालिटिकल पैराग्राफ के, पांच नंबर हो गए लेटर के यहां से, और यहां मैंने अभी लगाए हैं 15 मिनट केवल, समझ रहे ना। आपको कसम खा लेनी कि मुझे पेपर ऐसे ही करना है। अब इसके फायदे भी बताऊंगा अभी, और अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में और क्वेश्चन नंबर 11 में। ये है शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे ना 2 मार्क्स के भी है, 3 के भी है, लेकिन मैं इसको अभी छोड़ के सीधा क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 पे आता हूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ध्यान रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन पे मैं क्यों आया, लॉन्ग क्वेश्चन पे अगर आपको ये आता है तो चार चार लाइनें छोड़ दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 दिए होंगे, हर दोनों किताब में से 3-3 होंगे और 2-2 करने होंगे आपको, क्लियर है। तो इस तरीके से, हाँ, तो जब आपको मान लो कि मुझे यहां पे नंबर अब कितने मिलेंगे, 20 मार्क्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के, जैसे कैसे 2, 4, 8, 2-2 नंबर के 4, यानी कि देखो अब कितने नंबर हमारे टेक्स्ट बुक में है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए एक किताब से, 2 नंबर वाले, और फिर 3 नंबर वाले भी 2, यानी कि 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में से हो गए, तभी तो हमारे बने ना 4 क्वेश्चन के 8 नंबर और 3-3 नंबर वाले 12 नंबर, यानी कि 4 क्वेश्चन करने हैं तो 12 और 8 भी। अब मैं बता दूं आपको, अगर मुझे कोई कहे, हालांकि मैं इसका सेशन अलग से लूंगा भी, कोई मुझे चैप्टर बताए कि ये चैप्टर है, तो उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बता सकता हूं कि आएगा तो यही आएगा 99%, हो सकता है 1% में कुछ और भी आ जाए, है ना, क्लियर। तो ये चीजें मायने रखती है कि आपको भी जो लगता है मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो मैडम बार बार आपको करा रही है, उसको रिवाइज करिए, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको लॉन्ग में यूज हो जाए। जैसे आए दिन क्वेश्चन आता, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको बार बार आप रिपीट कर लीजिए। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपने क्या करा, इसके नंबर डाल दिए। मान लो इसमें 3-3 क्वेश्चन करने थे आपको, क्वेश्चन नंबर 10 के 3 थे, 3 में से आपको 2 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऐसे करने हैं। इसमें आपको इंटरनल चॉइस है, इंटरनल चॉइस का मतलब एक बुक से 3 होंगे 2 करने होंगे, दूसरे बुक से भी 3 होंगे 2 करने होंगे, यानी कि आपके 4 और 4 8 नंबर होंगे, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब एक वर्ड को लेकर ना बड़ी कंफ्यूजन है आजकल, बच्चे कहते हैं सर 20-30 वर्ड्स है या 30-40 वर्ड्स है या 50, इस पे मत जाइए,
जितना आएगा उतना लिख दीजिए, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर है? Yes, अब इतना करने के बाद अब एक चीज का ध्यान रखो आप, लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में 99% आता है कैरेक्टर स्केच, तो मैं बताऊं कैरेक्टर स्केच का और एनी लॉन्ग क्वेश्चन का दो वीडियोज हैं, बहुत अच्छे वीडियोज हैं। उसमें क्या है कि 5-6 लाइनें ऐसी बना रखी है कि आप उसको कोई भी कैरेक्टर स्केच होगा लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे खाली जगह में मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया, जैसे अ लेटर टू गॉड इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ए मिथ कैरेक्टराइजेशन ऑफ, और खाली जगह में लेंचो इज सुपर्ब, SUPERB, है ना? तो यही लाइन अगर मैं चाहूं तो बोली में यूज कर दूं, बोली इंटरेस्टिंग। कोई कहे नहीं सर ये तो इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है, भाई हमें तो लग रही है हमें 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 उससे थोड़ी ना कि नहीं है, ठीक है, नेल्सन मंडेला है तो नेल्सन मंडेला लिख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, एनी लॉन्ग क्वेश्चन का जो वीडियो है उसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, वहां पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में आएगा और इस बार के पेपर में भी होगा। तो आप समझिए कि करना क्या है, केवल आप उसको तैयार करना है, आपको उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना? यस सर। अब प्रिपेयर करना है कि लॉन्ग क्वेश्चंस मेरे दोनों तैयार रहने चाहिए। अब देखो मेरा यहां पे ना, जैसे मैं चालू होता हूं ना 8, 9, 10, 11, 12, 13, मुझे यहां पे डेढ़ से एक घंटा डेढ़ घंटे के बीच में समय लगाना है ना, ताकि मेरे पास अब समय बच जाए। अब देखो जरा, मैंने एक से डेढ़ घंटे के बीच में ये कितने नंबर सिक्योर किए हैं, 5, 5, ठीक है, 5 और 5, 20, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मुझे आते हैं, जो आएगा लिखेंगे, नहीं आएगा उसको हम छोड़ के रखेंगे, नंबर डाल देंगे, यहां करके सीधा हम आए दोबारा यहां, क्लियर है? Yes, sir. अब हम इसको पढ़ेंगे आराम से। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा कि हम जब यहां पे पढ़ने में ना बड़े बड़े 500 वर्ड्स है, अब 500 to 600 वर्ड्स को पढ़ने में हमें टाइम लग जाता है, आपने पहले पढ़ा था, यूटिलाइज किया था, फिर भी जो बचा उसको आपने पढ़ा, जो जो आंसर आपको लगता है सी है, इसका डी है, इसका बी है, 10 आंसर देने हैं इसका, फिर इसका, फिर इसका ग्रामर का, ये सब करते हुए आ जाइए। अब यहां तक आप आ गए ना, अब इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आप क्या करिए, जैसे कि इस सी का आंसर आपको लगता है कि ये आंसर है तो वो उतार दीजिए, केवल वही लाइन। मैंने क्यों बोला, कहा ना कि बड़ी दिक्कत हो जाती है, हम पहले लिख लेते हैं, बाद में कोई कुछ और बोलता है, फिर हम उसको कट पेस्ट करने लगते हैं, काटने लगते हैं, टाइम वेस्ट होता है। और कहीं तो कहा ना वो दूसरे को ही देखेंगे, कई लोग पूरे पढ़ते रहेंगे, बैठे रहेंगे, या मान लो सहेली हमारी कर रही है वो करेगी, तभी तो एक घंटा बर्बाद होगा, इतनी देर में हमारा ये पेपर सॉल्व हो जाएगा इधर वाला, है ना? और इसके बाद जब हम इसको करेंगे तो जो आंसर मुझे लग रहा है वो उतारेंगे, सी है तो सी का आंसर हमने लिख दिया, डी है तो डी का आंसर हमने लिख दिया, क्लियर है? और इसके बाद जैसे पता चला मैडम ने ना उसका पेपर छीना, यहां से पेपर मैडम दे रही है, ऐसे छीन रही है, मैडम प्लीज 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 दो मिनट कहेगी ना, फट से जितने बच्चे है ना आओ चालू, ठीक है ना? क्योंकि भाई अब यहां से छीनने लगी है मैडम, और यहां दिख रहा है कि मेरी ये रह गया, ओए जी सी, भाई कुछ तो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना? क्या कहते हैं इसको, समथिंग इज बेटर देन नथिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ ना करने से करना अच्छा। हिंदी में कहते हैं ना मामा से काना मामा भला, क्या कहते हैं, मतलब काना मामा हो तो बढ़िया रहता है, समझ आए बात कुछ, यानी कि कुछ ना हो उससे बेटर है हो जाए। अब देखो नंबर कैसे बने आपके, 20 नंबर नहीं, ये तो आपके मैंने कहा ना 5-5 लाइनें जो है ना, ये आपको 20 में से 16-17 नंबर देंगे। उसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन जो इधर का है ना 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में, 10 नंबर आपने पहले ले लिया था, 15 नंबर आपने समझ के ले लिया, 20-50, और उसके बाद मैडम ने भी देना है, जो आपके हाथ में अगर रेगुलर आएंगे, आप टाइम पे आएंगे, पढ़े आएंगे, कॉपी साफ रखेंगे, होमवर्क पूरा करेंगे, तो ये भी हो जाएगा, हो गया ना? इस तरीके से आपके 75 क्रॉस हो जाएंगे, हो जाएंगे? यस सर। मजा आ रहा है सुन के? यस सर। बढ़िया, क्लैप करो अपने लिए। नंबर आए नहीं, अभी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे,
घर पे ढाई घंटे में पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, पर डे एक सैंपल पेपर करेंगे। अब मैं बता दूं दूसरे सब्जेक्ट में क्या है, जैसे कि देखो मैथ की जब मैं बात करूं ना, तो बस मैथ में यहां पे ना एक लाइन की जगह ना वहां पे 10 नहीं है क्वेश्चन, वहां पे 16 क्वेश्चन है, और बच्चों का टाइम कहां वेस्ट हो रहा है, उस एक नंबर में उन्होंने 3 नंबर वाला क्वेश्चन दे रखा, मडे पड़े करे इसका आंसर निकाल के हम बढ़ेंगे आगे। अरे मत निकालो आगे, जितने नंबर है ना आपके, एक नंबर क्वेश्चन से लेकर 16 नंबर क्वेश्चन तक चार चार लाइनें छोड़ दो भाई, सरकारी पेज है, वेस्ट में नहीं कह रहा वेस्ट करो, लेकिन चार लाइनें, कुछ आंसर ऐसे लगते हैं जो दो लाइन के ही हैं, कुछ ऐसे आंसर है कि ये शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक लाइन का ही है, क्वेश्चन पढ़ोगे तब भी लिख दोगे, ठीक है ना, तो ऐसे आंसर आप कर दीजिए 16 तक आ जाइए। इसके बाद केस स्टडीज को पढ़ने में टाइम लगेगा है ना, तो उसके लिए आप 17 नंबर क्वेश्चन, 5 ऑप्शन होंगे, 18 5 ऑप्शन होंगे, 19 5 ऑप्शन होंगे, 20 इसमें से चार चार आंसर देने हैं, क्लियर है। एक चीज ध्यान रखिए, एसएसटी में हो सकता है कि ये वाला खंड ग है, उसका पार्ट सी है, लेकिन सभी सब्जेक्ट में केस स्टडीज है, 4 मार्क्स से 16 नंबर है, जो आपको पढ़ के उसी में से आंसर ढूंढना है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। yes, sir. अब ये चार चार रो पढ़ने में टाइम लगेगा ना, उससे बेटर 16 6 और 7 13 क्वेश्चन हमारे पास है, 6 क्वेश्चन 2 नंबर के, 7 क्वेश्चन 3 नंबर के, दोनों में इंटरनल चॉइस भी है, दो दो क्वेश्चन, क्लियर है। yes, sir. तो हमें क्या करना, आप मतलब बिल्कुल जैसे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक एक नंबर से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के साथ हम फट से लग गए कि 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन है ना, 2 नंबर और 3 नंबर वाले में, 6 7 13 और 3 क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर वाले, चाहे वो हिंदी हो तो, हिंदी का कंफर्म नहीं है, एसएसटी हो तो, साइंस हो तो, मैथ्स हो तो, तीनों में ही है, क्लियर है। yes, sir. कर लेंगे। yes, sir. ये तीनों क्वेश्चन जब आप 5-5 मार्क्स वाले करोगे ना, 5-5 मार्क्स वाले, मान लो आपको मैं मैथ का तो बता रहा हूं, 5 नंबर का क्या आएगा, एक आएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, क्लियर। yes, sir. एक आएगा चैप्टर 14 का, ठीक है, मीन मीडियन मोड निकालने का, और एक आएगा आपका 3 का, 13वें चैप्टर का, और 13वें चैप्टर में भी आपको करना क्या है, मैथ्स की सबसे अंदर 6 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर वाले, 7 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले, दो दो क्वेश्चन में च्वाइस भी है, हालांकि मैं बता दूं कि चैप्टर 1 है 2 है, हर चैप्टर के ऑलरेडी जो वन डे बिफोर और पिछले साल का, इस बार मैं मस्ट नाउ वीडियो लॉन्च करूंगा, एग्जाम से पहले एक सप्ताह पहले होगा, हर सब्जेक्ट का होगा, वो होगा क्या कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो आ सकते हैं, तो अब देखो 6 और 7 13 क्वेश्चन हम वहां पे अपना टाइम लगाएंगे, और फिर हमारे पास 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है वहां टाइम लगाए। मैथ्स में ध्यान रखो 3 नंबर के जो 7 क्वेश्चन आने हैं ना, एक तो आपका आएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई, रचना भी 3 है, जैसे मैडम ने बताया आपको, एक आपको क्या बताना है, टेंजेंट खींचना या लाइन को डिवाइड करना, दूसरा है आपका लाइन सेगमेंट का, यही है केवल इतना ही है क्योंकि बाकी डिलीटेड है, तीसरा काम क्या है, थ्योरम थ्योरम पाइथागोरस, और दो और छोटे मोटे थ्योरम है, तो ये करें, वो बात की बात है, लेकिन अभी आपका काम क्या है कि आप अपनी तैयारी करेंगे ऐसे, ठीक है। yes, sir. उम्मीद करूं। yes, sir. जैसे तुम्हें मीन मीडियन मोड करना आता है। yes, sir. आता है ना। yes, और हम वहां तक पहुंचे ही नहीं थे क्योंकि हम तो एक नंबर में मंडे रहे करके, और बाद में आंसर नहीं आया, गलत आ गया, तो हम क्या करेंगे अंतिम तक पहुंचने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अंतिम तक और केस स्टडीज को पढ़ेंगे, उसी में से आंसर ढूंढेंगे, लिखेंगे, यानी कि ये काम मेरा कब होगा, लास्ट में होगा, ताकि हम ये नहीं हो कि मेरे 5 नंबर वाले छूट जाए, 3 नंबर वाले छूट जाए, ऐसा तो नहीं है एक नंबर में मैडम खुश होकर 2 नंबर दे देगी क्या, नहीं देगी ना, एक ही मिलना है। और एसएसटी और साइंस में भी एक एक 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, तो और लास्ट में वही करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, जहां दिखा कि अब मैडम छीनने लग गई है या 15 मिनट रह गया है, तो हम उस क्वेश्चन पेपर को फटाफट वो आंसर कर ले। कई बार ना केवल आंसर लिखने के भी नंबर होते हैं, एक नंबर है आधा नहीं है तो वो नंबर मिल जाएगा, क्लियर है।
साइंस में भी, मैथ्स में भी, एसएसटी में भी, हर पेपर पे अगर ये ध्यान रखोगे ना तो आपके 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे केवल इसी चीज पे। हो जाएगा? यस सर। अब हो जाएगा? यस सर। बढ़िया। यस सर। पेपर अटेम्प्ट करने का यही तरीका आपको अपनाना है हर पेपर में, उम्मीद कर सकता हूँ। कितने बच्चे अब बहुत अच्छे पेपर को बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। चलो बढ़िया, क्लैप करिए अपने लिए। मजा आ गया? अब चलोगे ना? बाकी मैं देखूंगा अभी कि आप लोग कितना कर रहे हैं। ठीक है।